सो देखिए बेटा इस टॉपिक को ध्यान से आप। वो कौन कौन से फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, हम उन सभी फैक्टर्स को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको पता है जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से एक वहां कैटायन बनता है और एक वहां पे एनायन बनता है। और जो वो कैटायन और एनायन है वो दोनों आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बताया था ये कोई रियल बॉन्ड नहीं होता है, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैटायन की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। अब कैटायन बनेगा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होके और एनायन बनेगा इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा के। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे अफेक्ट होती है फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा है, आवर फर्स्ट फैक्टर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी का जो आपको चाहिए एक एटम की आउटर मोस्ट शेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। कोई भी गैसियस एटम है जो उसकी सबसे बाहर वाली शेल है उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितना अमाउंट एनर्जी का चाहिए, उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, और यहां पर फॉर्मेशन होगी कैटायन की। हियर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने एक एलिमेंट लिया मान लो सोडियम इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, अब हमें जो ये सोडियम एटम है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैं डिवाइड करती हूँ तो 2, 8 और 1 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को इसे रिमूव करना है। तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। स्टेट तो अब भी गैसियस ही रहेगी, प्लस में क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। चार्ज भी इक्वल है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो Na से क्या बन गया, Na प्लस बन गया। अब Na प्लस जो है 11 माइनस 1 कितना हो गया, 10। 10 को डिवाइड किया तो 2 और 8, तो यहाँ सोडियम आयन बन गया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये कैटायन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, समझ में आई आपको बात। तो ये जो आपकी टर्म है इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने इस एटम में से बाहर निकाला है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम यहाँ कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, कर लेंगे बेटा। अब इसके बाद आप देखिए, कोई भी एटम है, मान लो हमारे पास दो एटम है ए और बी। ठीक है, हमारे पास टू एटम्स है ए और बी। ए एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमें चाहिए, मान लेते हैं ऐसे ही हम ए एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 150 किलो जूल पर मोल, और बी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 75 किलो जूल पर मोल। तो आप समझ पा रहे होंगे ए और बी एटम में से कहां पर एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने में, बी के केस में एनर्जी कम चाहिए। अब जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा उतनी ही जल्दी कैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब अगर कैटायन जल्दी बनेगा तो एनायन भी जल्दी बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी जल्दी होगी। तो जितनी हमें एनर्जी कम चाहिएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही फास्टर वहां पे फॉर्मेशन होगी कैटायन की, और उतना ही फास्ट आपका रेट हो जाएगा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन का। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन आपका क्या आता है बेटा, कि जितनी आपकी कम से कम होगी एंथैल्पी
उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो आप क्या लिखेंगे, लेसर विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी कम ये एंथैल्पी होगी, लेसर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फास्टर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। जितनी एंथैल्पी कम होगी उतनी ही फास्टली वहां पे फॉर्मेशन होगी कैटायन की, और उतना ही फास्टर वहां पे होगा, फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर विल बी रेट ऑफ ए रिएक्शन। जितनी जल्दी बेटा कैटायन बनेगा उतनी फास्ट आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उतनी फास्टर होगी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये कह सकते हो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी टॉपिक को आगे और कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा जो कैटायंस हैं, कैटायंस जनरली कौन बनाते हैं, मेटल्स, वो तो आपको पता ही होगा, मेटल्स ऑफ ग्रुप नंबर वन। ग्रुप नंबर वन क्या होता है, एल्कली मेटल, एंड ग्रुप नंबर टू। ग्रुप नंबर टू क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो आपकी मेटल्स है ग्रुप नंबर वन की और ग्रुप नंबर टू की, ग्रुप नंबर वन की तो हुई एल्कली मेटल और ग्रुप नंबर टू की हुई एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, मेटल्स ऑफ ग्रुप नंबर वन एंड टू इजिली फॉर्म्स कैटायन। ये बहुत इजिली कैटायन की फॉर्मेशन कर लेती है। और जो ग्रुप नंबर वन है ना, ग्रुप नंबर वन ये ज्यादा फॉर्मेशन करता है कैटायन की एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर टू, या ग्रुप नंबर वन जो है इसकी कम है, क्या अभी लिख देंगे साइड में इसकी क्या कम है और इसकी ज्यादा है, ये चीज। यहां मैंने दो बातें लिखी है, कौन सी किसके लिए वो आप देखो बेटा। ग्रुप नंबर वन जो है इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप नंबर टू की आउटर मोस्ट शेल में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या दो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो पता है आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो जो ग्रुप नंबर वन है ना, ये सबसे बढ़िया सबसे जल्दी कैटायन की फॉर्मेशन करती है, क्योंकि ग्रुप नंबर वन की कम होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर टू, मतलब ग्रुप नंबर वन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। और सेकंड फैक्टर जो आपका है वो है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के लिए, कि ग्रुप नंबर वन से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी चाहिए, इसीलिए जो आपके ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट है वो फास्टर फॉर्मेशन करेंगे कैटायन की। किसकी, कैटायन की। तो आपको बेटा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने देखा भी होगा मोस्टली जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उन सभी आयनिक कंपाउंड में जनरली कैटायन किसका होता है, या तो ग्रुप नंबर वन का या ग्रुप नंबर टू का। इन्हीं दो ग्रुप के जनरली कैटायन होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू के। वजह इसकी क्या है, क्योंकि जो आपका ग्रुप नंबर वन और टू है ना, इसमें बहुत जल्दी कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, दे इजिली लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कर लेंगे बेटा, ओके। चलिए अब इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं, तो ये टॉपिक आप नोट डाउन कर लें। जल्दी करें बेटा, शाबाश। बेटा एक बार मनीष बच्चा जो अपनी वीडियो ऑन करेगा, मनीष तो ये हमारा पहला फैक्टर हुआ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन का। ठीक है, और जनरली आपने देखा भी होगा जितने भी आपके आयनिक बॉन्ड में
कैटायन होते हैं, वो मोस्टली ग्रुप नंबर वन या ग्रुप नंबर टू के होते हैं। वो जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि ग्रुप नंबर वन और टू से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना आसान है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये कह सकते हो, यहाँ से कंक्लूजन पूरा निकल के ये आता है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनकी लो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसीलिए यहां पर फास्टर फॉर्मेशन होती है किसकी, कैटायन की। सो यहां पर फास्टर है, फास्टर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फास्टर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। ठीक है लोगे, इसीलिए जो जनरली कैटायन होता है वो ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू का होता है। तो अब इसके बाद बेटा सेकंड फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला फैक्टर हमारा पूरा हो चुका है, अब इसके बाद हम सेकंड फैक्टर करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उज्जवल बेटा मैं आपसे दोबारा से पूछ रही हूं, मैं ये पूछ रही हूँ कल आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया। सेकंड फैक्टर हमारा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये आपको पता होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है जब भी कोई एटम है वो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, एटम गैसियस ही होगा, जब भी कोई गैसियस एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने पर वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है। कोई भी एक गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लेने पर कितनी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपको बात समझ में आ चुकी है, बड़ी कॉमन सी बात है भाई, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो अट्रैक्शन तो फील करवा रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहां पे हीट रिलीज होती है। तो जब कोई भी एटम वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो कितनी हीट रिलीज होती है वो हमें डिस्कस यहाँ पे करना है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले लिखवा रखा है बस बता देती हूँ, कोई भी गैसियस एटम है इलेक्ट्रॉन लेता है तो कितनी एनर्जी निकालता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, the amount of energy released when a neutral isolated gaseous atom, when a neutral isolated gaseous atom accept an electron। अब बेटा आप बताओ इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जैसे मैंने यहां पर लिया क्लोरीन, ठीक है, सॉरी बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता आपको क्या होता है, 17, और यहाँ क्लोरीन की स्टेट कैसी है, गैसीयस, 2, 8 और 7। तो बेटा फिलहाल क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस क्लोरीन जो गैसियस एटम है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl गैसियस प्लस इसने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, आप देखो Cl नेगेटिव, भाई क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया ना तो इस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव बन गया। स्टेट अब इसकी कैसी रहेगी, गैसियस,
अब इसमें इलेक्ट्रॉन 17 प्लस 1 कितने हो गए 18, तो ये बन गया 288। ये क्या बन गया 288 बन गया, हो गया समझ में आ गया। तो अब इसने हीट निकाली है क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। ओके कर लोगे बेटा, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसमें आगे आप देखिए, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतनी जल्दी एनायन की फॉर्मेशन होगी और उतना ही फास्टर होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तब क्या कहेंगे, मोर नेगेटिव विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, फास्टर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अभी Cl नेगेटिव बना था ना, जितनी ज्यादा नेगेटिव गेन एंथैल्पी होगी उतनी ही फास्टर होगी फॉर्मेशन ऑफ एनायन और उतनी ही फास्टर फॉर्मेशन होगी आयनिक बॉन्ड की। बेटा किसी को कहीं भी डाउट हो ना प्लीज बता देना, रेज योर हैंड। फास्टर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे है कि जो ग्रुप नंबर 17 होता है, ग्रुप नंबर 17 किसका होता है, हेलोजन्स का होता है ना, तो ग्रुप नंबर 17 जो है इसकी हाईली नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और जनरली क्या फॉर्म करते हैं, एनायन। आपने देखा भी होगा जो मोस्टली आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं उन सब में एनायन ग्रुप नंबर 17 के होते हैं, जैसे NaCl, NaS ब्लॉक से था, Cl-P ब्लॉक से है, KCl, KBr, NaBr, CaCl2, MgCl2, इन सभी में एनायन क्या है, हेलोजन है, Cl है, Br है, Pi है। तो जो ग्रुप नंबर 17 है ये इनकी हाईली नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जनरली ये एनायन की फॉर्मेशन करते हैं। या आप कह सकते हो कि जो पी ब्लॉक आपका है, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 16 हुआ, 17 हुआ और कभी कभी 15, ये तीनों ही जनरली एनायन की फॉर्मेशन करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 17, 16 और 15, पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 17, 16 और 15 जो है जनरली फॉर्म्स एनायन, जनरली फॉर्म एनायंस ड्यू टू देयर मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Due to their more negative electron gain enthalpy, ठीक है बेटा, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब तो हमने cation की formation कर ली और anion की formation कर ली। cation generally S block से बनता है, anion generally P block से बनता है। अब इस क्या करना है, इन cation और anion को आपस में जोड़ना है एक electrostatic force of attraction। तो अब हम इसका करेंगे third factor, और third factor हमारा है lattice enthalpy। पहले मैं ये रफ कर देती हूँ फिर करेंगे। बेटा दो फैक्टर हमारे हो चुके हैं, अब थर्ड फैक्टर हम करेंगे। थर्ड फैक्टर है हमारा लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं लैटिस
एनर्जी. थर्ड फैक्टर इज लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी. इसमें क्या होता है आप देखिए, हमने मान लो एक Na पॉजिटिव गैसियस कैटायन की फॉर्मेशन कर ली थी, प्लस हमने Cl नेगेटिव गैसियस एनायन की फॉर्मेशन कर ली थी. फर्स्ट फैक्टर से किसकी फॉर्मेशन हुई? कैटायन की. और सेकंड फैक्टर से किसकी फॉर्मेशन हुई? एनायन की. थर्ड फैक्टर में क्या किया? कैटायन और एनायन को जोड़ना है, तो Na पॉजिटिव गैसियस प्लस Cl नेगेटिव गैसियस, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो NaCl बनेगा सॉलिड स्टेट. क्या बनेगा? NaCl बनेगा सॉलिड स्टेट में. ये आपको पता है, Na एटम कैरीज लाइक पॉजिटिव चार्ज, Cl कैरी नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. आपको ये तो पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पास पास आएंगे तो आपस में टकराते क्या होगी? स्पार्किंग होगी, हीट रिलीज होगी ना भाई. अपोजिट चार्ज के आयन आपस में क्या शो करते हैं? अट्रैक्शन. अट्रैक्शन का मीनिंग है हीट आपकी रिलीज हो रही है. तो आप क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन कैटायंस एंड एनायंस कंबाइन टूगेदर. भाई पॉजिटिव नेगेटिव पास पास आ रहा है तो दोनों पास पास आएंगे तो हीट तो क्या होगी? रिलीज ही होगी ना. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन कैटायन एंड एनायन कंबाइन टूगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन to form a solid ionic compound. To form a solid ionic compound. ठीक है, ये आप कर लेंगे. ओके, तो ये डेफिनेशन हुई लैटिस एंथैल्पी की, कि जब कैटायन और एनायन आपस में जुड़ते हैं तो वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी. बेटा आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ रहा है? Show me your thumb impression. अगर आपका टॉपिक समझ में आ रहा है तो show me your thumb impression. सचिन, कुमुद, अमित, यशपाल, दीपक. ठीक है बेटा, अमित, बेटा यशपाल डेली है ना, टाइम से क्लास में आया करो. ठीक है, डेली टाइम से आया करो. ओके, वेरी गुड बेटा. तो इस टॉपिक को मैं पूरा कर देती हूँ. कैटायन एनायन को आपस में जोड़ दिया. कैटायन एनायन अपोजिट चार्ज के आयन है. अट्रैक्शन शो होगी, जहां भी अट्रैक्शन होती है हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो कितना हीट एनर्जी का निकला उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. और इसके बाद इसका यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में, वो आप देखिए. तो कंक्लूजन यहाँ पे ये आया, ग्रेटर द लैटिस एंथैल्पी, मतलब कैटायन और एनायन को जोड़ने पर जितनी ज्यादा हीट निकल जाए उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. अगर किसी की बॉडी में बेटा एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ग्रेटर द लैटिस एंथैल्पी मोर स्टेबल विल बी आयनिक कंपाउंड. मोर स्टेबल विल बी आयनिक कंपाउंड. जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी उतनी ही जो आयनिक कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी. ठीक है, और उतना ही इजिली वहां पर फॉर्मेशन होगी आयनिक कंपाउंड की. या ग्रेटर, या आप ये लिखो इजिली विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. Easily will be formation of ionic compound. ठीक है, तो ये पॉइंट आप कर ही लेंगे. चलिए अब इसके बाद हम काम करते हैं नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी. बेटा आयनिक बॉन्ड का टॉपिक पूरा हुआ, आयनिक बॉन्ड के फैक्टर भी पूरे हो गए, लैटिस एंथैल्पी के फैक्टर्स अब मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे. तो अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी.
कौन कौन से फैक्टर है जो लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है चार्ज ऑन आयन। तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑन आयन, तो आप कहेंगे ग्रेटर द चार्ज ऑन एन आयन मोर विल बी लैटिस एनर्जी। बेटा जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी भी आयन पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई सा भी हो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही उस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। इक्वेशन देखो, आपके पास ये तीन कंपाउंड है NaCl, MgCl2 और AlCl3। आपको बताना है इन तीनों में सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी है और सबसे कम लैटिस एंथैल्पी किसकी। तो जिस आयन का चार्ज ज्यादा होगा उसी की लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। और खुद देखो यहाँ NaCl है तो यहाँ Na प्लस आयन है, तीनों में क्लोरीन तो कॉमन ही है तो क्लोरीन को छोड़ दो, कैटायन को देख लो ना, यहाँ पे Na प्लस है, सेकंड में कैटायन क्या है Mg2+, और थर्ड में कैटायन क्या है एल्यूमिनियम, और Al पे चार्ज क्या होता है 3+। तो अभी मैंने एक रूल लिखवाया, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी। तो तीनों में किस आयन का चार्ज ज्यादा है? अकेले Al पे 3 पॉजिटिव है तो एल्यूमिनियम प्लस 3 का चार्ज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब जो AlCl3 है इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। इससे कम कौन हुआ? MgCl2। इससे कम कौन हुआ? NaCl। तो बेटा शायद आपको ये फैक्टर समझ में आ गया होगा कि जितना ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उतनी लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। इसके बाद बेटा इसका एक फैक्टर और है, सेकंड फैक्टर, पहला फैक्टर हो गया, दूसरा है साइज ऑफ आयन। पहला फैक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद सेकंड आपका है यहाँ पे चार्ज साइज ऑफ आयन, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे साइज ऑफ आयन में क्या होगा? जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, बेटा साइज ऑफ आयन में हम बात करेंगे, मान लो मेरे पास ये दोनों है NaCl और NaBr, ठीक है, तो क्या कहोगे? ग्रेटर द साइज ऑफ आयन, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी लैटिस एंथैल्पी। अब बेटा आप इस बात को ना खुद समझो, अगर किसी का साइज छोटा है, साइज छोटा क्यों होगा भाई? उसमें अट्रैक्शन कहीं ना कहीं ज्यादा थी तभी तो उसका साइज छोटा है। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा रिलीज होगी तो लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। किसी का साइज बड़ा है मतलब इसमें अट्रैक्शन कम थी तभी तो साइज इसका बड़ा है, अट्रैक्शन कम है तो इसने हीट भी कम निकाली होगी। तो जितना आयन छोटे साइज का होगा उतनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आयन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी कम होगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी लैटिस एंथैल्पी। साइज अगर छोटा होता तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती। अब पेपर में क्वेश्चन आया इन दोनों में से NaCl और NaBr में से किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है? जिसका आयन का साइज छोटा है। अब दोनों में एक आयन तो कॉमन नहीं है Na प्लस, तो इसको तो क्या देखें, दूसरा देखो ना आप, सेकेंड यहाँ पे एनायन में क्या है, यहाँ तो Cl नेगेटिव है, यहाँ Br नेगेटिव है, इन दोनों में कौन बड़ा होता है? तो आपको पता तो है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो Cl और Br में से किसका साइज बड़ा है? Br का साइज बड़ा है। जिसका साइज बड़ा है उसकी लैटिस एंथैल्पी कम है, मतलब ब्रोमीन की लैटिस एंथैल्पी कम है और क्लोरीन की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा? NaCl have more lattice enthalpy as compared to NaBr, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और देती हूँ, इसका आंसर बताना मुझे आप लोग, KCl और NaCl इन दोनों में किसकी lattice enthalpy ज्यादा है? जिसको भी पता है जो बताना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड, KCl और NaCl इन दोनों में से किसकी lattice enthalpy ज्यादा है? कोई बताना चाह रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड, जल्दी करें, टाइम कम बचा है। सचिन बोलो बेटा। KCl। KCl नहीं बेटा, अभी तो मैंने समझाया, देखो दोनों में एनायन तो सेम है, एनायन को तो छोड़ दो, कैटायन देखो K प्लस या Na प्लस, दो कैटायन है लीना की डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है,
मतलब के बाद में आया, पोटाशियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू सोडियम, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी कम होगी। तो कम लैटिस एंथैल्पी किसकी हुई? KCl की, और ज्यादा किसकी हुई? NaCl की। बेटा आप लोग बस ये ध्यान रखना, पीरियड में साइज घटता है, ग्रुप में साइज घटता है, बढ़ता है सॉरी, ग्रुप में बढ़ता है, पीरियड में घटता है। कल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 नहीं किया, उसने पीरियोडिक ट्रेंड्स करने थे, आपको ये बताना था एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पीरियड में मोर नेगेटिव होती है, ग्रुप में लेस नेगेटिव होती है, ठीक है, उसमें ये सब लिखना था, आपको एक्सप्लेन करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। एक और क्वेश्चन देती हूँ, बताना आप लोग मुझे, एक है MgCl2, एक है CaCl2, इन दोनों में किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, ज्यादा किसकी होगी बताइए, रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड। MgCl2 और CaCl2, इन दोनों में किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, जिसमें साइज छोटा है? अक्षय, अक्षय बेटा शाबाश, बताइए बोलिए अक्षय जल्दी।